Hello students, today's topic is classified advertisement to let. To let type of advertisement is written by a person looking for tenants. यानि इस टाइप के एडवर्टीजमेंट एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं जिनको किराएदार की तलाश हो, जिनके पास अपना मकान, अपना शॉप, अपना बंगलो या कोई भी बिल्डिंग है, लेकिन उनको किराएदार की तलाश होती है, वो किराएदार को देख रहे होते हैं, किराएदार की सर्च में होते हैं. स्टूडेंट्स, टेनेंट्स मीन्स किराएदार. फॉर हिज हर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए जिनको किराएदार की तलाश है वो लोग लिखते हैं इसको. और सीक्स अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, या वह पर्सन लिखता है जो जिसको किराए पर प्रॉपर्टी लेनी है. सीधी सी बात, बिल्डिंग है, किराएदार चाहिए, तब भी हम टू लेट कॉलम में लिखेंगे. हमें किराए पर बिल्डिंग चाहिए तब भी हम टू लेट कॉलम के लिए लिखेंगे. यानी कि लैंडलॉर्ड भी टू लेट के लिए लिखेगा और टेनेंट भी टू लेट के लिए लिखेंगे. राइट स्टूडेंट्स, लेट अस सी द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड. टाइटल, टाइटल टू लेट, हम इसमें या तो टू लेट टाइटल बना सकते हैं इसका. टू लेट चाहे किराए पर देना हो या किराए पर लेना हो, दोनों के लिए कॉमन टाइटल टू लेट. और भी हम इसके टाइटल दे सकते हैं, अकोमोडेशन वांटेड. यदि हमें बिल्डिंग चाहिए, इफ वी आर लुकिंग फॉर अ बिल्डिंग ऑन रेंट, हमें रेंट पर बिल्डिंग चाहिए, तो हम अकोमोडेशन वांटेड या अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, ये दोनों ही टाइटल, अकोमोडेशन वांटेड एंड अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, आर गिवन बाय टेनेंट. अगर कोई किराएदार है, उसको बिल्डिंग चाहिए, तो वो क्या टाइटल दे सकता है? टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड या अकोमोडेशन रिक्वायर्ड. अब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास बिल्डिंग है, जिसको टेनेंट चाहिए, तो वो टाइटल दे सकते हैं टू लेट या अकोमोडेशन अवेलेबल. टू लेट या अकोमोडेशन अवेलेबल. राइट स्टूडेंट्स, बिगिन विद अवेलेबल और वांटेड. यदि आपको बिल्डिंग किराए पर उठानी है, तो आप बिगिन करिए, स्टार्ट करिएगा एडवर्टीजमेंट को अवेलेबल से. यदि आपको बिल्डिंग किराए पर चाहिए, तो आप स्टार्ट करिएगा एडवर्टीजमेंट को वांटेड से. राइट, सेकेंड पॉइंट, स्टेट द टाइप ऑफ अकोमोडेशन टू लेट और रिक्वायर्ड ऑन रेंट. ये आपको स्टेट करना है कि आपको टू लेट यानी किराए पर उठाना है, या फिर रेंट पर आपको रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग की. गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकोमोडेशन. जो भी अकोमोडेशन है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका एक अकोमोडेशन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए. यदि आपको बिल्डिंग चाहिए, तो आप बताएंगे कि इतने साइज का, इतना साइज होना चाहिए हम उस बिल्डिंग का, स्क्वायर फिट में या स्क्वायर मीटर में. कौन से फ्लोर पर होना चाहिए, नंबर ऑफ रूम्स कितने होने चाहिए, फिक्चर्स फिटिंग्स कैसा होना चाहिए, लोकेशन क्या, कौन सी लोकेशन में चाहिए आपको, सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए. यदि बिल्डिंग आपकी है, तब आप यह बताएंगे कि हमारी बिल्डिंग का साइज यह है, इस फ्लोर पर है, इतने रूम्स हैं, ये फिक्चर्स एंड फिटिंग्स उसमें हैं, इस लोकेशन में है बिल्डिंग, बिल्डिंग की सराउंडिंग इस टाइप की है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें एडवर्टीजमेंट में शो करेंगे. रेंट एक्सपेक्टेड, यदि आपको अपनी बिल्डिंग रेंट पर देनी है, तब भी आपको शो करना होगा कि मुझे एक्सपेक्टेड रेंट इतना चाहिए, यानी इतने रेंट की मुझे एक्सपेक्टेशन है. और यदि आपको किराए पर बिल्डिंग लेनी है, तब भी आप कहेंगे कि हम इतने रेंट तक बिल्डिंग ले सकते हैं. लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर तो लिखना ही होता है. स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल एंड परचेज वाला पढ़ चुके हैं, सारी डिटेल्स सेम है, कोई कुछ नया नहीं है, बस टाइटल चेंज है, बिगनिंग लाइन चेंज है, और वहाँ पर
प्राइस था, यहाँ पर रेंट है. लेट अस सी द एग्जांपल. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन केम इन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020. अभी जो आपके सीनियर्स ने एग्जाम दिए हैं उसमें यह क्वेश्चन था. और स्टूडेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिगिटी है. एम्बिगुअस है ये क्वेश्चन. एम्बिगुअस यानी डाउटफुल है. एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो समझना मुश्किल पड़ता है. देख लेते हैं. यू आर विनीता जनरल मैनेजर ग्लोबल सॉल्यूशंस मेरठ. कोई बात नहीं. यू वॉन्ट टू रेंट अ बंगलो. यू वॉन्ट टू रेंट अ बंगलो टू बी यूज एज गेस्ट हाउस. दिस लाइन इज एम्बिगुअस. यू वॉन्ट टू रेंट अ बंगलो. अब स्टूडेंट्स, रेंट मीन्स किराए पर देना भी होता है, रेंट मीन्स किराए पर लेना भी होता है. हम ऑफर करते हैं अपनी बिल्डिंग को तब भी हम रेंट कर रहे हैं. हम किसी से बिल्डिंग लेते हैं तब भी हम रेंट कर रहे हैं. तो ये यहाँ पर बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था. और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में बोर्ड के इंस्ट्रक्शन ये थे कि स्टूडेंट ने किराए पर देने के लिए लिखा है तब भी चेक करिए, और किराए पर लेने के लिए लिखा है तब भी चेक करिए. इसलिए इसके आंसर भी मैंने आपको दोनों दिए हैं. इट शुड हैव ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, यानी इसमें जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब होनी चाहिए. ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर. दिस वॉज द क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन. बंगलो है, किराए पर देना है, या एक बंगलो आपको किराए पर चाहिए गेस्ट हाउस की तरह यूज करने के लिए. टू लेट. वॉन्टेड अ बंगलो ऑन कंपनी लीज. पहले वॉन्टेड वाला लिखते हैं हम, यानी कि हमें रेंट पर बंगलो चाहिए. तो वॉन्टेड अ बंगलो ऑन कंपनी लीज. अप्रॉक्स एरिया रिक्वायर्ड 500 टू 700 स्क्वायर फीट, यानी लगभग बंगलो इतने एरिया में होना चाहिए. विथ 3 to 5 रूम्स. बंगलो में कम से कम 3 to 5 रूम होने चाहिए. प्रेफरेबली इन शास्त्री नगर. बेटर होगा कि यदि बंगलो ये शास्त्री नगर में मिले तो प्रेफरेंस दिया जाएगा इसको. शुड हैव गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. बंगलो में इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए. एक्सीलेंटली डिजाइंड, अच्छे से बना हुआ होना चाहिए. प्राइस रेंज फ्रॉम 15,000 to 20,000 पर मंथ. यानी ये रेंट का रेंज आ गया कि इतने 15,000 to 20,000 तक का किराए वाला चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. कॉन्टैक्ट पर्सन विनोद विनीता जनरल मैनेजर ग्लोबल सॉल्यूशंस मेरठ, और फ़ोन. ये सारी बातें आ गई. यही सारे काम हम फॉर सेल वाले एडवर्टीजमेंट में कर चुके हैं. नाउ अकोमोडेशन अवेलेबल. इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अकोमोडेशन अवेलेबल में चेंज कर दिया है. अब देखिएगा. अ न्यूली बिल्ट स्पेशियस बंगलो 500 स्क्वायर फीट हैविंग 3 रूम्स विद अटैच्ड टॉयलेट फॉर ईच रूम अवेलेबल ऑन रेंट इन शास्त्री नगर. अब इन्होंने पूरी डिटेल देकर कह दिया कि ऐसा बंगलो शास्त्री नगर में रेंट के लिए अवेलेबल है. गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है. एक्सीलेंटली डिजाइंड, अच्छे से बना हुआ है. एक्सपेक्टेड रेंट ₹15,000 पर मंथ. रेंट एक्सपेक्टेड है वो 15,000 पर मंथ. PM स्टैंड्स फॉर पर मंथ. इंटरेस्टेड पार्टीज मे कॉन्टैक्ट विनोद और विनीता जनरल मैनेजर ग्लोबल सॉल्यूशंस मेरठ, और फ़ोन. इतने बोले इन पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ईजी है, सिंपल है. अब स्टूडेंट्स बात ये आती है, बोले इसमें तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं. इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की नीड भी क्या है.
जिस टाइप से ये दोनों हैं, फॉर रेंट और अवेलेबल, वांटेड और अवेलेबल दोनों का ये आंसर लिखा हुआ है, इसी टाइप से आप अपने लिए एक हाउस के लिए दोनों तरह से लिखना है आपको। आपके लिए वांटेड वाला भी लिखना है, आपके लिए अवेलेबल वाला भी लिखना है। अपने पर्सनल यूज के लिए, लिविंग पर्पस के लिए आपको एक हाउस रेंट पर लेना भी है, फिर अपना एक हाउस रेंट पर देने के लिए भी आपको एड पब्लिश करना है, राइट?